हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का आज का टाइटल देख के थोड़ा अजीब लगा होगा, ऐसे ही मुझे भी लगा। और आज सच में ना आज मैं मरते मरते बची हूँ। इतना जोर का झटका लगा, कहना चाहिए आज मेरा पूरा दिन ही खराब किया। पहले तो क्या हुआ, वॉशिंग मशीन ना एकदम से पता नहीं क्या उसमें हुआ था कि वो निकल गया और वो निकल के ऊपर आ गया, मतलब एकदम से जोर से हिटी वॉशिंग मशीन, है ना। तो फिर आज मैं वहाँ पे नहाने जाने में ही डर रही थी, तो फिर मुझे आज यहाँ पे कपड़े लेकर आई, यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही हूँ, वरना वहीं पे मशीन में ही कर लेती। पर आज मुझे नहाने में खड़े होने तक में डर लग रहा है। और कहना चाहिए ना कि जब इंसान के अंदर किसी भी चीज़ का डर बैठ जाता है तो वो डर ख़त्म नहीं होता है, हमारा निकाले भी नहीं ख़त्म होता है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। अच्छा यहाँ पे देखिए, और अभी ना मैं साड़ी कपड़े देखिए, मैंने जल्दी जल्दी से फिर उसको ये किया, और अभी मैंने नहाया नहीं था, नहाऊंगी बाद में, नहाऊंगी मैं। अच्छा बीच बीच में मैं आप लोगों से रुक रुक के बातें इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ना शिप को भी देखना पड़ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग को जैसे ज़िंदगी बहुत आसान लगती है ना, मेरी की बहुत ठीक है, पर मेरा सच में 10 10 जगह दिमाग रहता है। हर बार रोज़ आप लोगों से कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको सुनना अच्छा लगता है, पसंद की तो कोई बात ही नहीं है। और मैं कह रही हूँ ना कि आप लोग सोचते होंगे आरती अच्छे से रहती है, ये करती है वो करती है, मतलब कि मैं इतना करने के बाद ना कुछ अच्छा खा पाती हूँ, ना पहन पाती हूँ, ना रह पाती हूँ। मेरी मेरी ज़िंदगी में 24 घंटे पल मिलते हैं ना, 24 घंटे में मिनिमम 1 घंटे भी मुझे रेस्ट ही नहीं है। अगर कि मैं क्या करूं, मुझे भी ना सुकून के पल चाहिए होता, पर जहां जाती हूं वहां मुझे टेंशन ही मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। आप लोग सोचेंगे ऐसा कि आरती ऐसा क्यों बोल रही, कारण ये कि शायद मुझे कोई समझता ही नहीं है। बस सामने वालों को क्या लगता है कि ये कर तो रही है, कमा तो रही है, पर उसको ये समझ में नहीं आता है कि कमा के कर क्या रही हूँ। मुझे मतलब प्यार से कोई दो बातें करने वाला भी नहीं है, सीरियसली आप लोग को लग रहा होगा ऐसा। और देखिए मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती थी, यहाँ पे ना सुबह की दाल रखी हुई थी, तो अभी मैंने क्या किया था कि बस तभी मैं छौंक लगा दिया था प्याज की और टमाटर की चटनी की, सुबह की दाल रखी हुई थी मूंग की, तो हो जाएगा अभी। और देखिए अभी ना आपको हमारे वीडियो चलते चलते जो है थोड़ी सी वो हो जा रहा होगा, क्या बोलते हैं कि क्वालिटी घट जा रही होगी। रीज़न भी ये है कि जब कोई यूट्यूबर ब्लॉग बनाता है ना, मैं सबकी बात नहीं करी कि सब लोग बहुत HD क्वालिटी से बनाते, नहीं बहुत से लोग बनाते, तो मेरा भी ठीक ठाक फ़ोन चल रहा था, उसके बाद स्क्रीन हुआ ना डुप्लीकेट, इसमें वो लगाया गया था, फिर चलते गोरिल्ला ग्लासेस जो भी लगा हुआ वो स्क्रीन गोरिल्ला लगी थी, तो उसके बाद से ये फ़ोन अब उसमें लगना है, तो मैं कर ही नहीं पा रही। एक फ़ोन और है उसकी भी क्वालिटी ठीक नहीं, तो फिर मैं इसी फ़ोन से बनाती हूँ, है ना। और यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले ही ना शिंक में मैंने वो लगाया था, पुट्टी लगाया था, आप लोग को बहुत दिन पहले ही बताया था ना कि चाहे तो मैं ना सोचा था सिंक को ही चेंज करा लूँगी, पर क्या कर सकते हैं, हमारा ही अपना खुद का घर होता तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें करने का सोच सकते थे, पर जब खुद का ही नहीं है तो हम क्या सोचे, इसलिए फिर मैं छोड़ दी थी। और मुझे बात करते करते पता रोना क्यों आ जाता है कि आरती को शायद कोई समझने वाला नहीं है। और यहाँ पर उसके बाद ना नीचे से भी पानी नहीं जा रहा था, ये तो खैर हमारी बहुत दिनों की प्रॉब्लम हो गई जो कि अब तक भी सॉल्व नहीं हुई है, पता नहीं कब जाके होगी। तो ना मैंने क्या किया, सटक लेकर आई थी बाहर, ना बाहर प्रेशर दे रही थी, और मुझे देव पर भी थोड़ा सा मैंने उसको चिल्ला दिया था कि आप बाहर जाओ, क्योंकि पानी पूनी पूरे घर में था, मुझे डर ही लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए। तो हालांकि ठीक भी नहीं हुआ था और मेहनत भी मेरी बहुत ज़्यादा इसमें करीब 1-1.5 घंटे लग गया था मुझे नल को सुधारते। हमें कोई प्लम्बर तो होने की मुझसे आ जाएगा परफेक्ट। मैं यहाँ पर प्रेशर दे रही थी नीचे की ताकि जो भी कचरा फंसा हो वो चला जाए। एक्चुअली जो हमारे यहाँ का पाइप है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, जो सिंक का पाइप है बाहर जाने का, उसको कभी बड़ा किया ही नहीं, शायद पहले ही नहीं कभी किसी ने किया होगा, है ना। तो यही है, और फिर बाहर सटक लेके आई, बाहर जाना आना नहीं हो रहा था, भगवान जी का भी नाम लिया कि भगवान जी अब हो जाए, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर देखिए मैं ना
बाहर आ गई थी, बाहर जो कपड़े धुले हुए थे ना, नाइट में मिल रही हूँ। कपड़े चेंज इसलिए किए थे क्योंकि ना एकदम से ही मैंने क्या हुआ था कि शिव ने ना थोड़ा सा मेरी ड्रेस जो है ख़राब कर दी थी, आप समझ रहे हैं ना। मतलब अब उसको क्या पता कि मुझे कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, तो इसलिए। और यहाँ पे सारे अभी क्या मौसम यही हो रहा है, रात को पानी गिर रहा है, पूरे दिन भर बादल रहती है, मौसम भी ख़राब चल रहा है। इस वजह से शिव को भी ना थोड़ा सा फीवर आ गया, तो मैं नाइट भर पूरी सो नहीं पाई थी, साथ में इनको भी लेकर नहीं सो पाई थी। इनके लिए तो मैं बेचैन तो रहता ही हूँ। शिप को अचानक से बुखार चढ़ गया था और अचानक से खांसी, तो फिर वो ना हर 5-10 मिनट में सो रहा था और उठ रहा था। तो मैंने ये सारे कपड़े उठा के अंदर रख लिए। अच्छा, शिप के साथ अभी क्या हो रहा है कि उसको गर्मी भी लगती है और इनके साथ भी ये हो रहा है, इनको भी गर्मी लगती है तो पसीना आने लगता है, तो इनके लिए मुझे कूलर चालू करना ही करना पड़ता है। और अभी आप अच्छे से देख रहे हैं ना, अभी तो मैं प्रॉपर अच्छे से काम कर रही थी, पर इसी टाइम मतलब कि तो देखिए इसी टाइम ना फिर मुझे इनके लिए कूलर भरना था, है ना, क्योंकि इनकी कुछ दवाइयां हैं जो गर्म कर सकती हैं। और यहाँ पे बस मैं कूलर को भरी रही थी और कैमरा मेरा चालू था, मुझे क्या पता कि मुझे सर पे करंट लग जाएगा। हालांकि एक दो बारी ऐसा मुझे लगा कि शायद कुछ झनझना सा रहा है, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे लगा शायद मैं नीचे से गिरी हूँ, क्योंकि अभी ना मैंने बर्तन वगैरह धुले थे इसलिए। कौन कौन उसके बाद ही फिर ये देखिए मैं काम कर रही थी और मैं ना अभी अंदर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, दरवाजा बंद है एकदम से। देखो मैं ये ना यहाँ पे सोच रही थी, ये देखो अभी अभी की बात है, एकदम से मुझे झटका सा लगा। पहले देखो मुझे लगा नाखून में, मुझे लगा हो सकता है कि ऐसी किसी चीटी वीटी ने कुछ काटा होगा, मैंने इग्नोर मार दिया था, नीचे भी झनझनाया। अभी आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा, है ना। एकदम से मुझे ऐसा झनझनाया से मैंने छोड़ दिया, फिर मुझे लगा प्लग तो लगा नहीं था, ये देखो ये एकदम से करंट मारा, क्योंकि करंट जब भी मारता तो एक बार छोड़ता है ना। मुझे लगा नहीं लगेगा, नया कूलर है, अभी ये पूरा रिपेयर कराया है। और फिर बाद में देखा मैंने वो इधर पे तो प्लग लगा हुआ था, इसलिए तो करंट मार दिया। हालांकि मुझे थोड़ा सा कट भी लगा हुआ था, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। आया थोड़ा सा कट लगा, इसलिए ये देखिए तो करंट का झटका लगा, जबकि प्लग वगैरह सब निकला है। सॉरी, देखो प्लग लगा है, देखो ये लगा है प्लग, ये तो इंडक्शन का ही लगा, बटन बंद है बस। बहुत बाल बाल बच गए सच में आज तो। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से सीधे अब सुबह मिल रही हूँ। सुबह मैं ना देव के लिए टिफिन बना रही थी, कल रात को सोच सोच के मुझे इतना लग रहा था कि भगवान, और ना मुझे ऐसा डर लगने लगा कि मतलब कि होता है ना, अगर आपके मन में कोई दहशत सी बातें चल रही है तो आपके मन में बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ऐसा होता है। तो आज मैं लेट भी उठी थी और उसके लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया है, पराठे सेके थे दो, जो कि उसमें जैम लगा के रोल बना के रख दिया, तो वो ये अच्छे से खा लेता है। अभी वो सब्जी सब्जी वगैरह ना अच्छे से नहीं खाता है, घर में उसको बैठा के खिलाओ तो खा लेता है, पर स्कूल में नहीं खाता। तो ये देखिए मैंने एक रख दिया, मैं दो रख दूंगी। कभी कभार क्या होता है, वैसे तो वो एक ही खाता है, पर कभी कभार बोलता है मम्मी मुझे और भूख लगी थी, आपने नहीं रखा टिफिन। होता है ना बच्चों के साथ, जिस दिन रख दो उस दिन खाते नहीं, जिस दिन नहीं रखो उस दिन लगता है, तो फिर मैं एक और एक्स्ट्रा रख देती हूँ, बच जाएगा तो कोई बात नहीं, खा लिया तो ठीक है। तो इसको ऐसे रोल बना के रख दिए और बीच से हम कट कर देंगे, उसके बाद हम रख देंगे इसके टिफिन में। आज कुछ थे भी नहीं फल फूल कि मैं उसको वही रख देती, वैसे अभी 1-2 घंटे का ही स्कूल है। तो फिर ये देखिए मेरे को ना चक्कू नहीं मिली तो मैंने हाथ से ही तोड़ दिए थे, और पतले पतले पराठे थे, ज़्यादा मोटे नहीं थे उसके बाद। अच्छा अभी ना वैसे तो मैं उसकी ड्रेस प्रेस करती थी हफ्ते में एक दिन, पर उसके स्कूलों से शायद सभी स्कूलों में आया है अब कि बढ़िया से बच्चे को ड्रेस पहना के, बालों में तेल लगा के, नहला के, धुला के, है ना, क्रीम पाउडर लगा के, सॉक्स सब करके और भेजना है। तो फिर मैंने ना यहाँ पे उनका चलो ड्रेस प्रेस कर ही देते हैं हम, ये शायद मुझे आया कि सबको आया ये नहीं पता। और कहते हैं अगर बच्चे ऐसे जाते तो माँ बाप को जज किया, माँ को जज किया जाता,
था कि कैसे उसकी माँ ने भेज दी, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, बच्चा बड़ा होता तो माँ को नहीं बोला जाता, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है क्या अच्छा है क्या गंदा है क्या बुरा है क्या नहीं है। इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपनी ओर से कोई गलती नहीं करूँगी। हालाँकि अभी ये इसकी नई ड्रेस है, मैंने अभी पुरानी नहीं पहनाया है, क्योंकि मैंने कहा चलो अभी अभी तो हम पहना ही दें, फिर जब क्या है कि बरसात वाला सीजन होगा तब भले ही हम इसको दो पहना दें, क्योंकि उस समय क्या होता है, तो ये देखिए ये इसकी ना नई वाली ड्रेस है, उस समय क्या होता है कि कोई कपड़े गीले हैं तो ये पहना दो, तो पुरानी जो ड्रेस है वो अभी रखी हुई है। अच्छा, स्कूल स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे अब मैं लग गई थी ये करने, और कूलर की तरफ मैं देख भी रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, तो यहाँ पे ना कुछ आलू जो है मैं अलग कर रही थी। और नवरात्र जो चल रही है, तो मेरा फास्ट ऐसे 9 दिन का नहीं है, ना ही कभी मैं रही 9 दिन के फास्ट में, बस हाँ लहसुन प्याज वगैरह बस नहीं खाती हूँ ये उपासों में, जैसे बैठ की पंचमी अष्टमी, और ऐसा कोई मेरा वो नहीं है। तो चलिए, अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करिएगा, और आप देखते हैं ना कि आरती ठीक है, उसकी ज़िंदगी ठीक चल रही, पर नहीं आप कह आप मुझे संभावना दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, पर झेलना तो मुझको है ना, झेलना नहीं करना और सहना तो मुझको ही है, पर सहते सहते भी इंसान टूट जाता है, बुरी तरीके से टूट जाता है, जो कि उसके पास रोने के अलावा कोई भी चारा नहीं रहता है। रोने से क्या होता है, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं रोना नहीं चाहती हूँ, पर जब कुछ हालात मेरे ऐसे सामने आते हैं ना, कि जो अंदर की हमारी आत्मा है वो रोने लगती है, और फिर हमारा जो सब्री की तरह बांध फूट के बाहर आता है, और रोना भी ज़रूरी है, मन हल्का हो जाता है, नहीं तो अंदर ही अंदर ना हमारा दम घुटता रहता है, और दम घुटेगा तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि और परेशानियां आ जाएंगी। बस ये है ना कि 2-4 ही दिन मुझे बड़ा रिलैक्स से भी मिल जाए ना, तो मुझे ये लगेगा मेरी सारी टेंशन जो है ख़त्म हो गई, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी ड्रेस गंदी कर ली, अच्छी नहीं, खाना है नहीं खाना, करना है नहीं करना है, अच्छा घूमी करने जाना है, घूमी करने जाना है, घूमी करने जाना है उसको, अच्छा और क्या करना है, भैया को मारोगे, भैया को मारोगे, नहीं मारेगा, उधम करोगे, उधम करोगे, उधम करोगे, उधम उधम करोगे, बाहर घूमने जाओगे, नहीं जाओगे, चलो बाहर घूमी करने चले, धूप में चले, सिंपल चले, घूमी करने चले बाहर चले, नहीं